बदलते दौर में बहुत कुछ बदला है, नहीं बदल रही तो हमारी सोच। आखिर क्या वजह है कि ये सोच नहीं बदल रही? हम बदलना नहीं चाहते या फिर इसके पीछे भी कोई कारण है कि हम अपने ही अस्तित्व की लड़ाई में अपनी सोच को अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? खुद की अस्तित्व की लड़ाई है या फिर समाज को ना बदलने देने की लड़ाई है? इसको समझने की जरूरत है। एक तरफ हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, हरियाणा को डिजिटलाइजेशन करना है, लेकिन उसी दौर में हम ये चाहते हैं कि बच्चे यानी कि युवा फोन का इस्तेमाल भी ना करें। एक तरफ हम बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सेल्फी विद डॉटर की बात करते हैं, हम बेटियां पढ़ेंगी बढ़ेंगी आगे तभी तरक्की होगी ये बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि लड़कियों को फोन नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आखिर ये कैसे दोहरे मापदंड है? इसके पीछे की मानसिकता, इसके पीछे के कारण और बदलते हालात में इस सोच की क्या वजह है? एक बार फिर से खापों का ये फरमान क्या दिखाता है, समझने की कोशिश करेंगे। पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। मैसेज भेज देते हैं बच्चे और उसका जो ना गलत मामला जाता है। ये जो स्मार्ट फोन रखती है लड़कियाँ, इसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। ये फरमान सुनाया गया है, इसलिए तुम सुनो, इसे समझो और अमल करो। बीच की कोई गुंजाइश नहीं है। फोन रखने पर पाबंदी लगा दो, परंपराओं की जंजीरों में बेटियों के हाथ बांध दो, मौलिक अधिकारों का गला घोटो। तुम्हें रोकता कौन है? कोई नहीं रोकता। सच बताओ समाज के विधाताओं कि ये कौन सी शिक्षा है, ये कौन सा पाठ है, ये कौन सा फरमान और ये कैसी मनमानी है? तकनीक की तारों में जहर घोलने वाले समाज के ठेकेदार समाज की सोच को बीमार कर रहे हैं। फिर ये बीमार समाज आज के अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? सोचो, क्योंकि सोचना जरूरी है। चौपालों में दो पल की चर्चा करके उम्र भर का सितम देने वाले इन विधाताओं से कोई पूछता क्यों नहीं कि आखिर बेटी का कसूर क्या है? क्या ये फोन वाली चीज का आविष्कार सिर्फ इनके लिए हुआ था? कोई क्यों नहीं पूछता? समाज के ठेकेदार और ऐसे ऐसे फरमान, ऐसी सोच, ऐसा जहर जो बेटी की जिंदगी को बीमार करने के लिए काफी है। मैं कहता हूँ जब तक वो स्टडी कर रही है और अपनी लाइफ का चयन नहीं कर पाती तो उस टाइम तक उनको नहीं मिलना चाहिए। बदनसीबी देखिए, एक फरमान आया, कहा गया कि फोन बेटियों के इस्तेमाल करने की चीज नहीं। बेटी क्या करेगी? सही भी है, बेटी को क्या जरूरत? ये जलील करते हैं तो बेटी को क्यों बुरा लगे? ये अपनी चलाते हैं तो क्या हुआ? बेटी को जागीर समझते हैं तो क्या हुआ? कुछ नहीं। बरसों से तो यही होता रहा है, फिर बेटी की इच्छाओं को मारो या उसके अधिकारों को, इन्हें रोकता कौन है? कोई नहीं रोकता। गलत मैसेज भेज देते हैं बच्चे और उसका जो ना गलत मामला जाता है। सरकार सुनो, समझो और देखो भी, क्योंकि देखना जरूरी है। ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके डिजिटल सपने की खिल्ली उड़ाई जा रही है। आपके नगर में मगर लगाकर परंपराओं की आड़ में फैसलों को खुलेआम बेचा जा रहा है। खरखौदा, हाँ, सोनीपत के खरखौदा में खाप ने कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं के स्मार्टफोन पर बैन का फरमान जारी कर दिया। खापों का मानना है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से युवा बिगड़ रहे हैं। ऐसे में खासकर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों और लड़कों के स्मार्टफोन पर बैन लगाना चाहिए। ये जो स्मार्टफोन रखती है लड़कियाँ, इसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। खापों के इस फरमान में ये भी कहा गया कि लड़कियों को फोन की जरूरत नहीं होने के बावजूद वो कॉलेज में फोन लाती है, जो गलत है। इस फरमान ने उम्मीदों को खाक किया है, डिजिटल सपनों को आंखों में ही तोड़ दिया है, क्योंकि सरकार भी खुद कहते हैं ऐसा होना चाहिए। मोबाइल का दुरुपयोग किसी प्रकार का यदि होता है तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए, क्योंकि स्कूलों में विद्यार्थी जो जाते हैं, बच्चे जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। यदि वो उन बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल का अगर उपयोग करने के लिए छूट मिली तो फिर पढ़ाई की बजाय वो और खेल खेलें अच्छा नहीं है। पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, खेलने के समय खेलें। घर में उनको मोबाइल यूज करने के लिए कोई मना नहीं करता है, इसलिए स्कूल की शिक्षा एक प्रकार का उनका ध्यान केंद्रित पढ़ाई में रहे, इसलिए बात कर रही है।
सही भी है, सरकार का समर्थन मिल जाए फिर जो करना है करो, जो पाबंदी लगानी है लगाओ, इन्हें रोकता कौन है। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ बिल्कुल, आपने सुना कि खापों के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, मुख्यमंत्री का क्या कहना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुरुपयोग होता है। अब ये दुरुपयोग कैसे होता है इसको भी डिफाइन करने की जरूरत है, यकीनन डिफाइन करने की जरूरत है। क्या सिर्फ मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है, इसको कौन डिसाइड करेगा। एक बच्चा, आजकल किडनैपिंग के भी कितने सारे केसेस आते हैं, अपनी सेफ्टी की भी बातें आती हैं, जब लड़कियां अपने साथ मोबाइल लेकर जाती हैं, वो कनेक्टेड रहती हैं, बहुत सी बातें हैं जो इस चर्चा में आज हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने क्या कहा था वो भी सुन लेते हैं, खापों को लेकर वो भी सुनना जरूरी है। सुनाते हैं आपको, सीएम साहब ने तब खापों को लेकर क्या कहा। मैं एक एक विषय की बात होती है, जिस विषय की बात मैं कर रहा हूँ उसमें सामाजिक प्रवेश में लड़का लड़की के संबंध कैसे होने चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, एक निश्चित गोत्र के अंदर, वो जो बात है भाई बहन का रिश्ता जो माना गया है उसमें कोई बुराई नहीं है। उस बुराई को अगर मानो उस ढंग से हम देखते हैं तो सामाजिक प्रवेश में ठीक बातें भी हैं। बहुत प्रकार की संस्थाएं हैं अपने समाज में, संस्थाओं का अपना एक नियम होता है, संस्थाओं की अपनी एक परिपाटी होती है, संस्थाओं के अपने एक कन्वेंशन होती हैं। उन संस्थाओं के कन्वेंशन को एकदम नहीं बदल सकता। फैसला कैसा फैसला, मानो कोई गलत काम हुआ तो पंचायती सिस्टम हमारे यहाँ आज भी है, पंचायती राज सिस्टम है तो क्यों है। पंचायती राज सिस्टम का मतलब ये होता है कि पंचायतें अगर अपना फैसला करती हैं तो सपोर्ट करते हैं। सुनवाना जरूरी था, ये एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर खट्टर ने, पंचायती राज सिस्टम है, जाहिर तौर पे पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम में पंचायत कुछ अच्छे फैसले भी करती है, कुछ कई बार गलत भी हो जाते हैं। हम पंचायतों के फैसलों पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, सवाल हम इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि पंचायत इस समाज का एक अहम हिस्सा है। अगर वो इस सोच के साथ कुछ फैसलों को इम्प्लीमेंट करती है तो जाहिर तौर पर वो सभी की जिंदगी पर असर करते हैं। यानी कि पंचायती राज सिस्टम में हर फैसले को सही भी नहीं ठहराया जा सकता और हर फैसले को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए प्रदेश के मुखिया के कंधों पर तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और जो लोग इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लोग वॉच डॉग की तरह इन्हें देखते हैं, उन्हें भी ये समझना जरूरी होगा। बहरहाल कुछ खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर हैं, सूरज पाला मुंह है बीजेपी से, सुनीता सहरावत है कांग्रेस से, अतर सिंह संधू हैं खाप पंचायत से हैं, मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त वीना गुप्ता भी हैं, समाज सेवी हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ सुरेंद्र धैया भी हैं, खाप के प्रधान है धैया खाप के। सबसे पहले इनके पास चलेंगे। सुरेंद्र धैया जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले यही सवाल है मेरा आपसे, जो फोन पर बैन लगाने की बात करते हैं कि लड़कियों को फोन की जरूरत ही नहीं है, उन्हें लेकर नहीं जाना चाहिए, युवा जो है उन पर गलत असर हो रहा है, ऐसा क्यों? हाँ जी ऐसा है मैडम जी, मैं अकेली लड़कियों की बात नहीं की है, मैंने कल भी जो बयान दिया था वो कॉलेज स्टूडेंट्स की और नाबालिग बच्चों के पास, जो आजकल जो ना हमें जी का जंजाल बन चुका है कि हर रोज कोई ना कोई किसी ना किसी गांव से कंप्लेंट आ जाती है कि फलां लड़के ने फलां की लड़की पे जो ना वहाँ SMS भेज दिया, वो देखने लायक नहीं था। तो इसमें झगड़े भी होते हैं, केसेस भी होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इससे काफी क्राइम बढ़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई पे तो इसका जो ना बहुत भैया जी मुझे ये बताइए, उन्हें जागरूक करने की बजाय हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बैन लगाने की बात करें जो कभी ना कभी हमारी जरूरत भी बनती है कि अगर कहीं ना कहीं कोई हादसा हो गया, कहीं आप जरूरत में हैं तो अपने घर वालों को तुरंत फोन करके बता सकें कि मैं इस मुसीबत में हूँ। हमें इसका सही ढंग से देखने की बजाय हम इसका नेगेटिव ज्यादा देख रहे हैं और बच्चों को जागरूक नहीं कर रहे। आपको नहीं लगता कि ये होना चाहिए? फोन की जरूरत नहीं है, लड़की किसी भी फोन से फोन कर सकती है, सिंपल फोन भी हो सकता है, लड़का भी जो है सिंपल फोन से फोन कर सकता है। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि उसके पास स्मार्टफोन हो और उसमें जो है उसका मिसयूज किया जाए। बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? आप मुझे सुरेंद्र भैया जी मुझे आप ये बताइए, 21वीं सदी में जहाँ इतनी सब तरक्की कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप बच्चों को ये बताएं, युवाओं को, कि आप स्मार्टफोन ना इस्तेमाल करें, आप ये ना करें, उन्हें जागरूक भी तो कर सकते हैं, उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान भी तो बताई जा सकती है, बैन लगाने का क्या मतलब है?
आप मेरा क्वेश्चन मैंने सुन लिया, आप मेरी बात सुनिएगा। आप बताइए, जागरूकता की बात है, हम जागरूक करने के लिए हर पेरेंट्स को कहते हैं कि अपने बच्चे को ऐसा फोन ना दें जिससे जो ना उसका गलत इस्तेमाल हो। आप फिर से वही बात कह रहे हैं कि ऐसा फोन ना दे, वैसा फोन ना दे। आप ये नहीं कह रहे कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। हाँ, सही इस्तेमाल करें। और जो कल मैंने बयान दिया था वो बयान ये था कि नाबालिग बच्चों के पास हमने स्कूलों में, स्टूडेंट्स में, कॉलेज में ऐसे ऐसे केसेस आए कि आपको मैं यहाँ बता नहीं सकता फोन के ऊपर। हम जमीनी स्तर पर भी ये बात कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि हम प्रैक्टिकल नहीं है? मैं क्या प्रैक्टिकल जिंदगी नहीं जी रही हूँ? मैं क्या यहाँ स्टूडियो में बैठकर ही जिंदगी जीती हूँ? जी या नहीं? आप और हम सब प्रैक्टिकल जिंदगी जी रहे हैं। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है दया जी, मुझे नहीं ऐसा लगता। कितने फोन रखे थे आपने? स्मार्टफोन होते कहाँ थे आपके टाइम में? ये सारा 6 साल से चला सब कुछ। कमाल हो गई है। आज के जो बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन थोड़ी ना है। आज की हकीकत में हम थोड़ी ना जी रहे हैं, वो तो सिर्फ आप ही जी रहे हैं। हम तो शायद स्टूडियो के चार्टर बने रहिए आप मेरे साथ। सुनीता शेरावत जी, मुझे बताइए आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? आप भी एक महिला हैं। चलिए, हम वो कह रहे हैं कि मैं लड़कियों की नहीं, मैं तो लड़कों की भी बात करता है। एक तरफ हम आगे बढ़ने की बात करें, हम जागरूक नहीं कर रहे हैं बच्चों को। देखिए, ऐसा है कि हमें सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है कि आज 21वीं सदी में हम हैं। आप ये देखिए कि अगर बच्चों को हम स्मार्टफोन नहीं देंगे तो आज एजुकेशन के ही मामले में ले लीजिए, आप पढ़ाई के ही मामले में ले लीजिए और कुछ छोड़िए, कि उसमें बच्चों का कितना आज उसमें बेनिफिट है। नेट, सब कुछ तो नेट के द्वारा होता है, सब कुछ। आज कहीं बच्चे ने जॉब देखनी है तो नेट के द्वारा, कोई फॉर्म भरना है तो नेट के द्वारा, ये सब सुविधाएं आज नेट पे हो गई है। अगर नेट पे ये सुविधाएं बच्चे को नहीं पता चलेगी, हमारी बिटिया को नहीं पता चलेगी, तो हमारी बिटिया की तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। आज हम अपने बच्चियों को पीछे धकेलने के लिए, ये पीछे धकेलने वाली बात है। मैं खापों का हम स्वागत करते हैं कि खाप ठीक है, पंचायत खाप अच्छे फैसले भी लेती है, पर कुछ फैसले ऐसे लेती है जो कि फैसले हमारी बेटियों के हक में नहीं होते। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि आज अगर कंधे से कंधा मिला के महिलाओं को चलना है, बेटियों को चलना है, तो उसमें स्मार्टफोन का उसको प्रयोग करने के लिए ये गलत फैसला लिया गया कि नहीं करना। हरियाणा को डिजिटल करने की बातें की जा रही है, ऐसे में इस तरह के जो बयान आते हैं उससे आपका क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि जब बच्चे स्कूल में अगर मोबाइल लेके जाते हैं तो खेल के समय खेल होना चाहिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई होनी चाहिए। हमारा बिल्कुल ये मानना है कि आज बच्चों की प्रगति के लिए डिजिटल इंडिया का जो नारा नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, पर माने मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हमारे जीवन में मोबाइल का, कंप्यूटर का, इन चीज़ों का एक अलग महत्व है। हम चाहते हैं कि जब बच्चे स्कूल में जाएँ तो स्कूल में केवल पढ़ाई के लिए जाएँ, पढ़ाई का समय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पर भी अगर क्लास के अंदर टीचर अगर पढ़ा रहा है और उसमें मोबाइल को यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे टीचर को भी तकलीफ होगी और स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसको भी तकलीफ होगी। वो एक अलग बात है, यही बात। वहाँ पर स्कूल्स एंड प्रिंसिपल्स अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लास में मैं भी पढ़ाती रही हूँ, क्लास में अगर हम एज अ टीचर है तो ये हमें देखना है कि हमारा बच्चा क्लास में बैठ के क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये डिसिप्लिन होना चाहिए जो कि उस क्लास के टीचर को मेंटेन करना है। ये आप इसलिए नहीं कह सकते कि अगर तुम्हारे बैग में पड़ा है तो वो भी गुनाह है, तुम लेकर ही क्यों ना आए। ये लेकर आना गुनाह नहीं है। अभी जैसे सुनीता ने कहा कि आज बच्चों की तरक्की में, बच्चों के विकास में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये बहुत चीज आवश्यक है, और मैं समझता हूँ इसके अंदर कहीं खाप ने ये निर्णय क्यों लिया। निश्चित तौर पे खाप को भी ऐसा नहीं है कि वो गलत निर्णय लेती है, परंतु खाप को ये सोचना चाहिए कि मोबाइल एक ऐसी आवश्यकता है कि आप मोबाइल के बगैर बच्चों की सुरक्षा का विषय है। बच्चा जब घर से स्कूल के लिए जाता है तो स्कूल से वो घर से यार स्कूल के बीच में डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है उसको भी पार उसके लिए भी उसकी भी आवश्यकता है मोबाइल के लिए। तो मैं ये नहीं कहता, परंतु बच्चों को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर मैं स्कूल के अंदर जाऊं और जब मेरी पढ़ाई का विषय हो तो पढ़ाई करूं, परंतु खेल के विषय में कि हम जागरूक करने के बजाय बच्चों को हम थोपे ना। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, हम थोपते क्यों है? खापे ये क्यों नहीं कहते कि सभी जागरूक हो, एक डिसिप्लिन फॉलो करें? हम थोपने की फरमान सुनाकर कोशिश क्यों करते हैं? सुरेंद्र जी, आप हैं मेरे साथ, शायद चले गए, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये उनकी स्टेटमेंट है और उनसे बात करनी बहुत जरूरी है। और इस टीवी चैनल पर भी वो कह रहे थे आपके वक्त नहीं होता था, अब है, मुझे नहीं पता अब हमारे वक्त नहीं होता था, अब क्या हो गया? ये चीजें शायद मेरे गले से तो नीचे नहीं उतरती है। आखिर संधु जी, क्या कहना है आपका? देखिए मैडम, खाप पंचायत समाज के कर्णधार हैं और समाज में आगे बढ़ने के लिए तरह तरह के
निर्देश नहीं थोपती कभी भी, उनको एक सलाह देती है। ये सलाह कहाँ है? देखिए ये सलाह कहाँ है? सलाह होता है आपका सोचने का तरीका है, मेरे सोचने का तरीका नहीं है। जब फरमान सुना दिया जाता है सवाल फरमान तभी उठता है, ऐसा नहीं है। फरमान होता है, खाप के अगेंस्ट क्यों कोई हो जाता है? फरमान किसी खाप के अगेंस्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। फरमान उसे कहते हैं, फोर्सली हमने कहा ये करना है। खा पंचायतें कभी कभी अपने पंचायती राज सिस्टम में जब पंचायतें कोई बैठकर फैसला सुनाती हैं तो मुझे लगता है वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के लोगों के लिए वो एक मैंडेटरी हो जाता है। नहीं नहीं, वो सम्मान करती हैं उन खा पंचायतों को, लोग अच्छे लोग होते हैं, वो समाज के कर्णधार हैं, वो समाज की सोच के साथ चलने वाले लोग हैं, वो लोग समाज उनकी सुनता है, प्रशासन से ज्यादा समाज उनकी सुनता है, क्योंकि अच्छी बात है ना, इसीलिए सुनता है। तो इनका इनका कहना इनका कहना बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र दहिया जी का, ये काफी समय से खाप के लिए काम कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुरेंद्र दहिया जी को। इनका कहना है भी जो युवा आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो हमारा युवा जा रहा है, मैं मानता हूँ वेस्टर्न कल्चर की तरफ युवा को नुकसान हो रहा है। हर हर स्कूल और कॉलेज में बच्चा जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है वो एजुकेशन के बेनिफिट की बजाय उसका नुकसान में जा रहा है बच्चा। आज एक सेकंड, आपके बच्चे हैं? बिल्कुल बच्चे हैं। आपके बच्चे स्मार्टफोन यूज करते हैं? इधर देखिए जवाब दीजिए, बिल्कुल स्मार्टफोन इधर जवाब दीजिए। आपके बच्चे स्मार्टफोन यूज करते हैं? अगर इधर देखिए जवाब दीजिए, स्कूल और कॉलेज में इधर देखिए जवाब दीजिए, इधर देखिए जवाब दीजिए, विरोध करते हैं कि बात और होती है, करते हैं या नहीं मुझे जवाब दीजिए। अगर देखिए उनका समय, इधर देखिए जवाब दीजिए मुझे, इधर उनका समय फिक्स है, अगर अपने बच्चों का समय आप इधर देखिए जवाब दीजिए। एक्सक्यूज मी, कितने बड़े बच्चे हैं आपके? मेरा बेटा अभी 12th पास किया है, 12th पास है, 11th में है। अच्छा, दो दो बच्चे हैं आपके? आपके बच्चे स्मार्टफोन यूज करते हैं? बिल्कुल, मैं खुद करता हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात नहीं कर रही, वो तो मैं भी करती हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही। आप मुझे ये बताइए, आप अपने बच्चों को उनसे स्मार्टफोन लेके घर में रखते हैं? उन्हें कहते हैं बाहर जाओ, कॉलेज जाओ, तो आप इस्तेमाल मत कीजिए? वो खुद समझदार बच्चे हैं, वो आपके बच्चे हैं तो समझदार है, दूसरों के बच्चे समझदार नहीं हो सकते? वहाँ पर हमें फरमान सुना के वहाँ पर हमें थोपना है, एक्सक्यूज मी, वहाँ पर हमें थोपना है? आपके बच्चे हैं तो समझदार है, दूसरों के बच्चे समझदार नहीं हो सकते? एक मिनट, समाज और युवाओं को बताते हैं भी इसमें क्या आपको नुकसान? हाँ तो बताइए ना, बताइए। देखिए वैसे तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है युवाओं को, बताइए सरकार की जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी बनती है सरकार की जिम्मेवारी। जैसे पहले आर्य समाज जी, संजय जी, आज आपके बच्चे हो या मेरे बच्चे हो या सुनीता जी के या नवजोत के, आज वो बच्चे सब इतने समझदार हो चुके हैं कि उनको मालूम है कब मुझे मोबाइल यूज करना है, कब नहीं करना है। थैंक गॉड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहली बात कि अम्मू जी इस बात से ऊपर उठकर आप, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, मैं नवजोत आज की डेट में, मैं अभी मैं यूएसए से आया हूँ, मुझे मालूम है मेरे बेटे ने कई जगह मुझे जाना होता था, मुझे ना वहाँ का एड्रेस मालूम था ना वहाँ की लैंग्वेज की मुझे प्रॉब्लम थी, परंतु मेरे बच्चे ने मुझे उस स्मार्टफोन से मुझे कहाँ जाना है नेविगेशन के माध्यम से मुझे उसने पूछाया। मुझे जिसकी जानकारी नहीं है, मुझे गर्व है इस बात पे कि मेरे बच्चों को स्मार्टफोन यूज करना आता है। परंतु जो बात आप कह रहे हैं, खाप के मित्रों को मैं एक सलाह दूंगा, एक छोटा सा एक फरमान उन्होंने लागू किया कि हम शिक्षकों की भर्ती के लिए उनका समर्थन करते हैं। आज खाप पंचायतों के पीछे राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अगर हाई कोर्ट ने आज निर्णय दिया कि हमें ये करना चाहिए परंतु खाप पंचायत उनके खिलाफ जाती है, तो खाप पंचायतों को भी जब ये इस प्रकार के फरमान थोपते हैं तो सोचना चाहिए। आजकल बच्चे किसी के दबाव में नहीं है, ना बच्चों के ऊपर आप जबरदस्ती कर सकते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हरियाणा के युवा क्या सोचते हैं और हरियाणा के लोग क्या सोचते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कितना फोन का नुकसान भी है और नहीं भी है, फायदे और नुकसान के बीच में क्या ज्यादा जरूरी है वो समझने की जरूरत है। क्या बच्चों को जागरूक किया जाए, उन्हें सही और गलत की फर्क समझाया जाए, या हम उनपे थोप के उनकी जिंदगी को अपने काबू में करके अपनी होंद को, अपने अस्तित्व को थोपने की कोशिश करें? आप भी हमें कॉल करें इस कार्यक्रम में और बताएं। जी सुनीता जी, देखिए मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें अपने बच्चे को शुरू से ही अपने बच्चे को ये जागरूक करना चाहिए, शुरू से ही हमें अपने बच्चे को ये कहना चाहिए कि महिलाओं की, अपनी बहनों की, महिलाओं की, वो बच्चों को इज्जत करनी सिखानी चाहिए और जागरूक करने की आवश्यकता है, ना कि ये करने की आवश्यकता है कि उसका फोन बंद कर दिया जाए। अपने बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है, अपने बच्चों की, अब मैं तो कहती हूँ कि शिक्षा में ला देना चाहिए ये कि महिलाओं की जो सुरक्षा पे, जो हम डिबेट में बार बार बैठते हैं महिलाओं की पे, तो हमारा ये होना चाहिए हर सरकार में, कोई भी सरकार आए, कि उसमें शुरू से ही कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाए। अभी हमारे सुरेंद्र भाई ने बताया
कि एसएमएस गलत आते हैं और बच्चे गलत एसएमएस स्मार्टफोन के जरिए भेजते हैं, तो ये कब खत्म होगा? ये जब खत्म होगा कि महिलाओं की इज्जत करनी बच्चों के दिमाग में हो, युवाओं के दिमाग में ये हो कि लड़कियों की इज्जत कैसी करी जाए, तो ये लड़कियों की इज्जत करनी सिखानी चाहिए, जागरूक करना चाहिए। एक चीज बताइए अबू जी, आपने अभी एक चीज का जिक्र किया जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ठनक गई। आपने ये कहा कि अभी इन्होंने टीचर्स का खापों ने समर्थन किया, यहाँ हम राजनीति की बात तो कर ही नहीं रहे, क्यों खापों के साथ हमेशा राजनीति आ जुड़ती है? क्या खापों ने सिर्फ टीचर्स का समर्थन किया उस वजह से हम राजनीति कर रहे हैं? हम एक स्टेटमेंट पे कर रहे हैं, हम यहाँ बात एक स्टेटमेंट पे कर रहे हैं कि जो फरमान जारी हुआ, ऐसे पहले भी कई बार खापों के फरमान आते हैं कि लड़कियां जीन्स पहन के ना जाए, लड़कियां ये कपड़े पहन के जाए, ये ड्रेस कोड हो, ये सारी सोच है। बीजेपी तो पार्टी में डिफरेंस की बात करके स्वच्छता अभियान चला रही है, जब तक हम अपनी सोच में स्वच्छता नहीं लाएंगे हमारे आसपास स्वच्छता आएगी कैसे? ये तो सोच में स्वच्छता नहीं आ रही है। नवजोत, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल कभी भी नहीं चाहता कि कोई निर्णय कभी भी किसी के ऊपर थोपा जाए, परंतु मैं एक मेरी राय है साहब खाप पंचायत के नेताओं से, जब वो निर्णय करते हैं मुझे लगता है या तो वो आपस में सामूहिक बातें नहीं करते, अगर वो करते हैं तो जबरदस्ती थोपा जाता है। निर्णय को थोपने से पहले ये देखें कि उन बच्चों को हम अपने खिलाफ तो नहीं कर रहे, क्योंकि आज की डेट में बच्चे इतने खुद समझदार हो गए हैं, चाहे वो नर्सरी क्लास का बच्चा है, वो भी आज की डेट में मोबाइल हो या लैपटॉप हो, वो उनके साथ इतना मिक्सअप हो गया है, वो स्कूल से आते ही वो अपने लैपटॉप को ढूंढता है, अपने आईपैड को ढूंढता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि आज पहले जो बच्चे खेल कूद में जाते थे, मैं चाहता हूँ खेल कूद का भी समय निश्चित होना चाहिए, परंतु हम लोगों को जबरदस्ती अगर हम कोई निर्णय थोपेंगे तो वो बच्चे हमारे विरोध में होंगे। संत जी आप कुछ कह रहे हैं? वो बच्चे हमारे विरोध में होंगे। देखिए मेरा कहना ये है, सरकार जैसे पहले आर्य समाज के थ्रू भजनों का प्रचार होता था विलेज टू विलेज जाकर के, सरकार ने ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कोई सरकार प्रोग्राम नहीं करती। अभी मैं बताता हूँ, मेरा बेटा अभी स्पेन खेल गया है, राष्ट्रीय टीम में खेल गया है, इंटरनेशनल खेल गया है, सरकार की ओर से कोई पॉलिसी नहीं है बच्चों के लिए। नहीं संधु जी, तो वहाँ भी आपने उसे कहा कि अब तुम खेलने जा रहे हो तो स्मार्टफोन मत लेकर जाना, लेकिन मुझे ना तो मैं विरोध करता हूँ, खाप पंचायतें विरोध करती है, वो कर रही है, वो कर रही है आपके सामने, वो कर रहे हैं, जब वो बच्चे स्कूल जाए तो ये आप अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, आप खापे फरमान सुनाने की बजाय, एक मिनट रुक जाइए, खापे फरमान सुनाने की बजाय ऐसे प्रोग्राम क्यों नहीं लॉन्च करती? ऐसे प्रोग्राम शुरू करें जहाँ पर अपराध गांव में आप जागरूक कीजिए बच्चों को, आप जागरूक कीजिए, बात सोच में स्वच्छता लाने की है, स्वच्छता तब आएगी, मैं बार बार कह रही हूँ, स्वच्छता सिर्फ ये नहीं कि अपने आसपास सफाई कर लीजिए, जब तक विचारों में सफाई नहीं होगी ना तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ना राजनीति में स्वच्छता आएगी और ना ही कोई बड़ा मिशन से कामयाब होगा। ये नहीं हो सकता कि फोन स्कूल में बच्चा ना लेके जाए, जब भी फोन का मिसयूज हो, बच्चा तो घर में भी फोन रखेगा तब भी मिसयूज हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, स्कूल की अगर आप वही नहीं बनते वो कहीं भी बन जाते हैं, और कई बार आप अपनी सेफ्टी में बहुत बड़ा काम करता है वो फोन, आपकी अपनी जिंदगी को बचा सकता है वो फोन, आप जीपीएस उस पे लोकेट करते हैं, आप सब रास्ते उससे बचे देखते हैं। मुझे ये बताइए अब मुझे बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा में खापों को लेकर कई बार इस तरह के विवादित बयान आते हैं, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी चुप हो जाती है क्योंकि वहां वोट बैंक आ जाता है, क्या इस वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर हमें ये संदेश देने की जरूरत नहीं है कि सही के साथ तो हम हैं लेकिन गलत के साथ हम नहीं होंगे? मैं इसलिए आपके पास आ रही हूं, आप सुन लीजिए, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम, और सीएम खट्टर ने भी कहा था जो इंटरव्यू हमने आपको दिखाया, उन्होंने कहा कि जो खापों के फैसले सही होते हैं हमें उनका समर्थन करना चाहिए, आप ये कहिए जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। नवजोत अगर हम बात खाप पंचायत की करते हैं तो खाप पंचायत निश्चित तौर पे हमारे समाज के बीच में से ही आती है, और हरियाणा के अंदर जो सिस्टम है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सिस्टम है वो आज भी खापों के ऊपर चलता है, परंतु खापों के विषय में मैं वही कह रहा हूँ सामाजिक बातों को लेकर जो खाप के निर्णय होते हैं कई बार इतने अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि जो कई बार आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं समाज के अंदर घर परिवार में, उनको निपटाने का काम खाप करती है, परंतु खाप को भी अब थोड़ा सा 21वीं सदी को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए जो निर्णय लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब खाप निर्णय को ले लेती है तो हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। हरियाणा की खापों के ऊपर अनेकों अनेक पिक्चरें बन गई हैं, आज बॉलीवुड के अंदर ऐसी ऐसी पिक्चरें दिखाई गई हैं, मुझे लगता है कि मैं हरियाणा के अंदर हूँ, मुझे गुस्सा आता है कि जिसने वो पिक्चर बनाई है पहले तो उसको पकड़ के मैं उसको बताऊं कि हरियाणा का रीति रिवाज क्या है। वो खाप पंचायतों के जो गलत निर्णय हैं उनके विषयों को लेकर निश्चित तौर पर एक बात है कि आप खापों को भी अपने विषय में, अपने निर्णयों के विषय में दोबारा से
सोचना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती कोई निर्णय आज की डेट में थोपना निश्चित तौर पे कानून के खिलाफ है। सरकार को ऐसे में देखिए बहुत बहुत बड़ी बात मैं आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान बीजेपी नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा है, आप बेटियों को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो फैसले आते हैं ये बेटियों को पीछे खींचने वाले हैं, तो क्या सरकार ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इन पंचायतों को देगी? निश्चित तौर पे नरेंद्र भाई मोदी ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो अभियान चलाया है वो नरेंद्र भाई मोदी ने अपने लिए नहीं चलाया, वो हमारे लिए समाज के लिए चलाया। पहली बात, बेटियां मेरी सबकी बराबर है साझी है और बेटियों का विकास सबके लिए है, बेटी को बचाने का सुनिएगा। अब जो निर्णय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ने किया वो निश्चित तौर पे हम सबको मानना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार का निर्णय होता है वो कभी भी जनता के समाज के खिलाफ नहीं होता। निर्णय की नहीं है, मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। वो सीधा सवाल ये है कि जब ऐसे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है ठीक है, और बेटियों की बात आप बार बार कर रहे हैं जिसका लॉन्च और आगाज भी यहाँ से हरियाणा से हुआ, जब ऐसी फरमान आते हैं तो क्या सरकार को ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं देना चाहिए? निश्चित तौर पे सरकार ने आया क्यों नहीं? सरकार ने हमेशा एक बात कही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। खाप पंचायतों के सही निर्णयों का हम समर्थन करते हैं, हम सही निर्णयों का समर्थन करते हैं। गलत खाप के निर्णयों का समर्थन ना सरकार करती है ना भारतीय जनता पार्टी। सरकार की तरफ से स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऐसी खाप अरे दिया है ना, हम लोगों ने दिया, हम लोगों ने खाप कोई ऐसा इंडिकेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिएगा संजय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपने दिखाया, उन्होंने कहा है कि खाप के सुनिएगा उन्होंने कहा खाप के सही समाज के हित के निर्णयों का हम समर्थन करते हैं, और खापे समाज के कई बार हित में निर्णय करती है। परंतु मैं फैसले की बात कर रही हूं, ये निर्णय मैं इस निर्णय में खाप के साथ नहीं था ना हूँ, मैं इसको कंडेम करता हूँ, और इस प्रकार का निर्णय हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है खेल के समय खेले खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई, केवल मोबाइल से इसको कंडेम क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल कह दिया ना मुख्यमंत्री जी, आपने कंडेम नहीं किया। देखो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम लोगों को क्लासरूम के अंदर मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए, जब शिक्षक पढ़ा रहा है टीचर पढ़ा रहा है। आप मुझे बताएं मुख्यमंत्री ने कहीं कहा होगा? मुख्यमंत्री ने कहीं समर्थन किया होगा? बिल्कुल नहीं। नवजोत आप मुझे एक बाइट दिखा दे मुख्यमंत्री की कि उन्होंने समर्थन किया होता है कि ऐसे फैसले क्या नवजोत बर्दाश्त नहीं करेगी? आपके और मेरे बच्चे बेटियों को इस तरह से पीछे ले जाने वाले नवजोत, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप अपने बच्चों को कहेंगे कि टीचर के सामने वो लेके जाएं मोबाइल को? वही कर रहे तो वो बच्चों को पता होता है, वो आप खुद कह चुके हैं बच्चों को एजुकेट करने की बात है। मैं इस फैसलों की बात कर रही हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सब खेल के समय खेल पढ़ाई के समय पढ़ाई। देखिए मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, आप पंचायती भी वही बात कह रही है, सिर्फ बात कहने का तरीका है, जिस तरीके से वो लोगों ने कहा वो उनका अपना तरीका है। आप कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो ही खापे कह रही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं कि सरकार ऐसे फैसलों का समर्थन नहीं करती, पहले बता दें मुख्यमंत्री समर्थन किया बात का? आप वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने समर्थन किया, मुख्यमंत्री इस बात का समर्थन करें? बिल्कुल जी, बात बेटियों को बढ़ाने की बात करते हैं ना, खाप पंचायतें भी करती है, खाप पंचायतें समाज के सुधारने के लिए बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करती है। नई जनरेशन में हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन वो समाज के कल्चर जरूर सीखें, शब्दों के साथ खेल रही हैं आप। मैं क्यों खेल रही हूं? ये कह रहे हैं जो संजू जी ने कहा, संजू जी ने जो कहा, मैं दोबारा से उसको दिखा दूं, मान्य नहीं, मैं इल्जाम नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी प्रकार से इनचारे कक्षा के अंदर जब बच्चा जाए तो मोबाइल का यूज करें। लेट्स कट इट, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री हमारा समर्थन कर रहे हैं हमारी बात का, आप मानते हैं? आपने कहा संजू जी खाप का समर्थन करते हैं क्या? देखिए अगर संजू जी बताएं, आपने फैसले करते हैं तो हम उनका बिल्कुल समर्थन करते हैं, खाप इंडिविजुअल कोई बिल्कुल मोबाइल के विषय में संजू जी आपने बच्चों के तो करते नहीं, दूसरे के उस पे आप वो कर रहे हैं। फिर से मैं उस पे नहीं जाना चाहती हूँ संजू जी, आपके पास जवाब नहीं होगा। एक मिनट सुरेंद्र रैया के पास चलते हैं, वो दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र रैया जी सुन रहे हैं आप मुझे? सुरेंद्र रैया जी क्या आप हैं हमारे साथ? सुरेंद्र जी क्या आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? सुरेंद्र जी क्या आप हैं? चलिए एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कंफ्यूजन जरूर है सुनीता, क्या कहना है आपका? खाप कह रही है
उस सीएम वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस बात को कंडेम करता हूं क्योंकि हम तो बेटियों को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। देखिए ऐसा है कि खाप पंचायतों के फैसले अच्छे भी होते हैं पर खाप पंचायतों के फैसले कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि समाज को पीछे, बेटियों को पीछे ले, जैसे जीन्स पहनना। आप ये देखिए जीन्स पहनना क्या बुरी बात है, जैसे अभी स्मार्टफोन का आया तो स्मार्टफोन रखना क्या बुरी बात। आप ये देखिए कि आज पैदा होते ही बच्चा कंप्यूटराइज हो जाता है और आज हमारी बेटियों को 21वीं सदी में हमारी बेटियों को ये कहा जा रहा है कि तुम स्मार्टफोन ना रखो, जबकि स्मार्टफोन के इतने फायदे हैं कि आजकल होमवर्क भी उन फोन नेट में आने लगा है। तो हम स्कूल के टाइम की बात आप ये देखिए कि बच्चों कॉलेज की भी बात कर रहे हैं तो कंफ्यूज को ग्रेजुएशन के साथ ही ऐसे कॉलेज की बात आ रही है, हम गलत बोल रहे हैं कितना जस्टिफाई कर रहे हैं। कॉलेज की बात की है खाप ने, अच्छे से सुना मैंने भी टीवी पे, उन्होंने कहा कि कॉलेज की बात करी है। तो खाप पंचायत एक हमारे समाज की नींव है और उस नींव ने हमेशा ही समाज को बढ़ाने का काम किया है, पर कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि बच्चों को देख के लिए जाने चाहिए। एक बड़ा सवाल, एक बड़ा सवाल बच्चों को देख के लिए बताइए, क्या खाप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है इसलिए खापे अब इस तरह के फरमान जारी कर रही है ताकि उनकी जो अस्तित्व है वो बरकरार रहे। 1100 ईस्वी से खाप का अस्तित्व है और खाप पंचायत पहले भी ऐसे फैसले लेती थी और समाज के हित में, पहले भी ऐसे लेती थी अब भी ऐसे लेती रहेगी। एक मिनट, समाज का पहले भी लेती थी अब भी लेती रहेगी। पंचायतों का फैसला समाज के हित में होता है, इंडिविजुअल कोई आदमी अगर गलत बोल देता हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। ये इंडिविजुअल कहां, ये खाप का है, बिल्कुल खाप। आप मुझे बताइए क्या खापे अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? खापों का अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं, खाप का अस्तित्व पहले भी था, है खाप का लोग समान पहले भी करते थे। खाप के जो निर्णय है जो समाज के हित में है निश्चित तौर पे कई बार बहुत अच्छे होते हैं, परंतु जो आजकल जो खाप के निर्णय हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क। आप ये देखिएगा जो निर्णय कर रहे हैं, आप क्या रोक सकते हैं बच्चों को कॉलेज में मोबाइल ले जाने से? नहीं रोक सकते क्या? आज आप जो जिस प्रकार से मोबाइल के मैसेज की बात करते हैं ये तो मेरे बच्चों के संस्कार के ऊपर निर्भर है कि मेरे बच्चे किस प्रकार के संस्कार में पले हैं। अगर मेरे बच्चे गलत सीखेंगे, गलत देखेंगे तो निश्चित तौर पे गलत प्रयोग करेंगे मोबाइल का, परंतु मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐसी अधिक से अच्छी से अच्छी जानकारियां होती हैं जो हमारे को, आज कई शब्द ऐसे हैं जो मुझे जानकारी नहीं होती परंतु मैं मोबाइल के अंदर क्लिक करता हूं और मेरे सामने आ जाते हैं। तो मोबाइल बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखा रहा है और मोबाइल से बच्चे की मानसिकता विकास। दोबारा जोड़ गए सुरेंद्र भैया जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बोलिए। सुरेंद्र भैया जी आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी, वो भी कह रहे हैं कि ये बातें जो हैं खाप की वो गलत है, इस तरह से इन बातों को मेरा अपना सुझाव था, मेरी खाप का अपना सुझाव था, मैंने जो है ना अपनी तरफ से नहीं दिया, मैं बहुत लोगों के विचार लेके दिया ये सुझाव। और अगर कोई मानता तो ठीक है, सब कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए फिर भी लोग करते हैं। हमने अपने जो है हर पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश की है जब इसका मिसयूज ज्यादा होता है, इसके फायदे कम हो रहे हैं, तो आप अपने बच्चों पर नजर रखिए और उनको स्मार्टफोन की बजाय दूसरा फोन दे दीजिए, घर में इंटरनेट लगवाइए, घर में कंप्यूटर दीजिएगा, घर में जो मर्जी देखे अपनी नजर के सामने। सुरेंद्र दैया जी आज के दौर में इस तरह की बातें करना आप कितना जायज मानते हैं? मैं तो 100% जायज मानता हूँ, मैंने बयान दिया इस बात का, तो बाकी मैंने लड़कों लड़कियों के लिए दोनों के लिए दिया है, ये अगर कोई कहे कि मैंने लड़कियों के लिए दिया ये गलत है। सर्वे बता रहा हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ एक मिनट, यहाँ कुछ कह रहे हैं। मैं सुरेंद्र भाई एक आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल मात्र हिंदुस्तान में 10% स्मार्टफोन हिंदुस्तान के लोग यूज करते हैं, 70% एंड्रॉयड फोन यूज किए जाते हैं। अगर मैं ग्राम पंचायत के मित्रों से कहूं कि एंड्रॉयड फोन की आपको कितनी जानकारी है, तो उनके विषय में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, उनके अंदर जो सुविधाएं हैं उनके अंदर कोई गलत नहीं है। ये स्मार्टफोन के ही स्पेशल अगर आप कह रहे हैं तो अपने को दूसरे फोन की भी जानकारी रखनी चाहिए। स्मार्टफोन से मतलब ये है कि जिससे वीडियो क्लिप भेजी जा सकती है, जिससे SMS जो ना वो फॉरवर्ड किया जा सकता है, SMS की बात कर रहा हूँ मैं जो फॉरवर्ड किए जाते हैं। लॉजिक कैसा है? अगर 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 आपके युवा ये इस बात को ना माने तो फिर मुझे ये बताइए। अरे ना मानेंगे तो अपने भविष्य को अगर इसमें गिरेंगे, और मैं कई कॉलेजों में जो है हम कई बार गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा है प्रचार, उनके जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल बैन लगा रखा है कॉलेजों में भी, भाई आपने यूज किया तो वहाँ
लैब है, उसमें कंप्यूटर लैब बढ़ा रखे हैं। आप मेरे साथ बाकी मेहमान भी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक बड़ा बहस का मुद्दा यहाँ ये इसलिए है कि आखिर हम अपनी सोच को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्वच्छता की बातें कर रहे हैं, किस तरह से स्वच्छता आएगी? हम आज भी अपनी सोच के दायरे से खुद को आजाद नहीं कर पाए और अगले महीने अगस्त 15 अगस्त एक बार फिर से हम आजादी का जश्न मनाएंगे, लेकिन इतने सालों की आजादी के बाद भी हम अपनी सोच के दायरे से आजाद नहीं है। सोचिए जरूर, लौटते हैं जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल, चर्चा जारी है कि आखिर ये जो फरमान है ये कितने जायज, और अगर नहीं जायज तो फिर खापों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्यों नहीं जाता सरकार की तरफ से? इस हिस्से में मैं इस पर भी चर्चा करनी चाहूंगी कि क्यों एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाता कि खापे भी ये समझें कि उन्हें दायरे में रहते हुए लोगों को जागरूक जरूर करना है, उनकी भलाई की बात जरूर करनी है इस पंचायती राज सिस्टम में जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन गलत फैसले बहुत दूर तक असर डालते हैं। वीना गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, समाज सेवी हैं। वीना, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को या लड़कियों को कॉलेज में फोन ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर खाप के लोग कहते हैं कि नहीं युवाओं को कोई जरूरत नहीं, गलत असर पड़ता है, आज के दौर में कितना जायज? देखिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया प्रोग्राम, लेकिन जो जैसे मैम ने बोला है कि अच्छे फैसले भी आए हैं खाप पंचायत के, लेकिन मेरा मानना यह है कि टेक्नोलॉजी आई है, जैसे घर में आज गांव में आप जाओ तो किसी भी ऐसा घर नहीं है जहाँ टीवी नहीं है, एसी नहीं है, तो आपको गर्मी लगेगी, आप एसी भी चलाओगे 48 डिग्री टेम्परेचर होगा। सिमिलरली अगर आप टेक्नोलॉजी आई है तो आप उसको इस्तेमाल भी करोगे क्योंकि उसके एडवांटेजेस हैं। अगर आप उसको बोले मिसयूज हो रहा है तो देखिए यूज और मिसयूज दोनों का ही होगा, चाहे हम लॉ की बात करें चाहे हम किसी भी मुद्दे की बात करें, अच्छाई और बुराई दोनों चलेगी। उसको रोक दिया जाए वो कोई सलूशन नहीं है। मेरा मानना यह है कि उसकी जानकारी दी जाए, डूज एंड डोंट्स बताए जाए कि इसके बुरे नतीजे क्या है और अच्छे नतीजे क्या है। बुरे में देखिए, अगर मोबाइल नहीं भी होगा, मान लीजिए मोबाइल नहीं भी होगा, अगर महिला सुरक्षा की बात आती है, किसी लड़के को छेड़ना है वो बिना मोबाइल के भी छेड़ेगा अगर उसको बिल्कुल। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सी कॉल्स हमें लगातार कार्यक्रम में आ रही हैं, बहुत सी कॉल्स हम अटेंड भी नहीं कर पा रहे, माफी चाहेंगे अपने दर्शकों से। राज हैं हमारे साथ, जी राज बताइए। हेलो जी, बताएं। देखिए, ये सब बेटियों पर ही ऐसा क्यों हो रहा है प्राचीन काल से? और मैं सबसे पहले तो मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा, आज जो से जो हो रहा है समाज में ये बेटियों के साथ, और ये जो खापे निर्णय ले रही हैं जी, ये वचन बेटियों पर क्यों फंसा जा रहा है? प्राचीन काल से आज तक, आज युग चेंज, आज बेटियां कहां से कहां जो से परचम लहराया है, तो इन मैं इस बात से मेरी बहन में बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं हूँ, और ना मैं इस बात को मैं स्वीकार करना चाहूंगा। ये सरकारें आज चारों तरफ जो है जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा राज, शुक्रिया हमें कॉल करके अपनी बात कहने का। यही हम कह रहे हैं कि लड़कियों को दबाना ये सही नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी और समाज में रहते हुए शायद उस हर नागरिक की भी, लेकिन हम थोपने लगे बिना सोचे समझे वो जायज नहीं है। मेरा सवाल अम्मू जी आपके पास इसलिए है कि हम अब ये मत कहिएगा कि खापे अच्छा भी करती हैं बुरा भी करती हैं, वो हम जानते हैं कि अच्छा करती हैं, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसे फैसले आए हैं खापों के जो सवालों के घेरे में रहे हैं, जिन पर सवाल खड़े हुए हैं, क्यों कोई भी सरकार एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन उन्हें नहीं देती कि ऐसे फैसलों की निंदा तो होगी ही होगी, एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि ये समाज को गलत दिशा में लेके जाता है, वहां क्यों वोट बैंक की राजनीति आ जाती है? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विषय में इतना ही कहना चाहूंगा नवजोत, भाजपा की सरकार को खापे नहीं चला रही, और अन्य दलों की सरकारें कैसे चलती थी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का सिंपल सा निर्णय है, कानून के दायरे में रहकर जो भी काम होंगे
चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति अच्छा सुझाव दे, अच्छा सुझाव सरकारें मानती हैं, कोई भी सरकारें मानेंगी, चाहे कांग्रेस की हो, इनेलो की हो, भाजपा की हो, परंतु अगर खापे जबरदस्ती इस प्रकार के निर्णय करती हैं जिनको ना युवा मानेंगे ना बच्चे मानेंगे, आज हम कितना भी जैसे आज बीना ने कहा, हम लोग दोनों पक्षों को देखें, परंतु इस प्रकार के निर्णयों के बारे में मेरा केवल अनुरोध है खाप के मित्रों से कि जिस प्रकार से निर्णय किए जाते हैं, आपने कहा कि आप, अमू जी आपने जी। कहा आपकी सरकार खापों से नहीं चलती, क्या कांग्रेस की सरकार खापों से चलती थी सुनीकर? नहीं, बिल्कुल नहीं चलती थी खापों से। खापों का अपना अलग महत्व है, सरकार का अपना अलग महत्व होता है। वो तो कह रहे हैं नहीं खाप की, बिल्कुल पुरानी सरकार तो खापों से चलती थी। नहीं नहीं, अम्मू जी कई बात का मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ कि खाप का अपना अलग महत्व है। मैं अभी आपने कहा तो वो पहले उनकी बात पूरी होने मैं अपने दिमाग में रख के बैठी थी कि मैंने विरोध करना है, तो वो आपने बोल दिया कि विरोध करना है, बिल्कुल कि बिल्कुल हमारी सरकार जो चली है वो खापों से नहीं चली है। खाप का अपना अलग महत्व है और सरकार का अपना अलग महत्व है। खापों के पास सरकार अपने खाप अपने मैसेज ना आपके वक्त खापों को गया ना माफ कीजिए बीजेपी के वक्त जा रहा है, भले ही अब पार्टी विद डिफरेंस की हम बातें करते हैं। अमू जी एक बात कहना चाहता हूँ मैं, आप देखो एक निर्णय देखिएगा, अभी दो दिन पहले खापों ने निर्णय लिया कि हम अतिथि अध्यापकों का समर्थन करेंगे, आज हाई कोर्ट ने स्पष्ट दिल के सुनिएगा क्यों बार आप सुनिएगा खापों का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि खापे टीचर्स का समर्थन कर रहे हैं, राजनीति झलक रही है। नवजोत आप देखिएगा ना, मैं गॉड से आप सुनिए, आज खाप बीजेपी को इसलिए बुरी लग रही है कि खापे उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं खापों का और कांग्रेस के मित्रों का आपको गठबंधन बता रहा हूँ कहाँ पर है। नहीं नहीं ये मेरी पूरी बात बीजेपी ऐसी पार्टी है जिन्होंने पहली कलम से स्वामीनाथन कहाँ गया पहली कलम का, ये तो आप छोड़ दीजिए, पर आज मुद्दा ऐसा इस मुद्दे को हम राजनीति में नहीं देना चाहते। नहीं, हम इस मुद्दे को राजनीति में नहीं देना चाहते, बड़ा नाजुक और महिलाओं का मुद्दा, हमारी बच्चियों का मुद्दा है। आप सुनने का चंदू जी, आप पंचायत कर्णधार हैं, अगर आप समाज की कर्णधार हैं, सरकार का पूरा सरकार के दोनों एक पार्ट हैं। आप बोलिए कि दो पहलू हैं, सरकार और खाप पंचायत दोनों मिलजुल के चलती हैं। अगर खापों ने ये निर्णय कर लिया है कि कोर्ट जो कहेगा सरकार जो कहेगी हमें उसके खिलाफ चलना है, तो ये बिल्कुल गलत निर्णय है। खापों को कानून के दायरे में रहकर समाज को दिशा निर्देश देने चाहिए। देखिए जी, आप इधर देखिए जी, आज आप कह रहे हैं कि खापों को कानून के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, जहाँ पर टीचर्स की बात है। इन सब मसलों पर खापों को कानून के दायरे में रहकर बात नहीं करनी चाहिए। हर निर्णय में मैं केवल एक निर्णय की बात, मैं सभी निर्णयों में संगोत्र में भी कोई सभी निर्णयों में कानून की नजर में विवाह है, वहाँ पर तो आप चुप हो जाते हैं, वहाँ पर ऑनर किलिंग की बात आती है, वहाँ पर आप चुप हो जाते हैं। कानून के दायरे में रहकर टीचर्स की बात आई तो वहाँ पे कानून के दायरे में रहकर बात हो, दोहरे मापदंड यही राजनीति है। आज तक किसी वजह से समाज मेरे मुंह में डाल नहीं डाल रही हूँ, मेरा सवाल है, आप जवाब दीजिए। खापों के हर उस निर्णय के खिलाफ है जो कानून से हटकर है, कानून के दायरे में रहकर आज बीजेपी के प्रवक्ता हरियाणा न्यूज चैनल पर ऑन एयर ये कह रहे हैं कि बीजेपी खापों के हर उस फैसले के खिलाफ है जो कानून के दायरे से बाहर है। बिल्कुल, बीजेपी हाल ही में एक पंचायत ने ये फैसला सुनाया था जब समगोत्र विवाह हुआ था कि इन्हें बाहर निकाल दो, आप भी थी उस वक्त, याद है आपको? सरकारें नवजोत सरकारें संविधान के दायरे में आती हैं, कोई भी सरकार आप खापों को ये मैसेज क्यों नहीं देते? आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, आपके चैनल से सीएम साहब कहाँ दे रहे हैं मुझे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप कार्यकर्ता खाप सरकार को नहीं चलाएगी, खापे सरकार को चलाएगी, खापे समाज में रहे खापे टीचरों का समर्थन कर रही है सरकार के, सरकार की बात कर रहे हैं। अरे आप मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाते हैं, आप समगोत्र आप क्या कर रहे हैं? सरकारें समगोत्र शादियों को बढ़ावा देती हैं और आप लोग विरोध करते हैं, तो किस प्रकार के समगोत्र की बात नहीं करते आप? ये अगर खाप पंचायत जी, आप खाप पंचायत का अगर महत्व है अगर आप मानते हैं, आप चैनल पर ये कह दें कि आपने खाप ने जो संविधान से हटकर
जो निर्णय लिया आप उसका समर्थन करें। क्या निर्णय लिया आप? कानून क्या निर्णय लिया आप बताए ना मुझे, बात करो ना। अगर आपका तो सरकार भारतीय जनता पार्टी हर उस निर्णय के खिलाफ है जो कानून के दायरे में नहीं आता। अगर थोपे वो निर्णय गोद अगर खापे चाहेंगी कि हमारे तरीके से सरकारें चले कानून बने, ऐसा संभव संभव नहीं है। आज ही आपको क्यों लग रहा है? हमेशा से हमेशा से एक मिनट मुख्यमंत्री की वो दोबारा से वो सुनाएंगे। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा और इस विषय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्यों कहा, क्या कहा, दोनों सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। हम चाहते साथ है परंतु असामाजिक डाक्टर बैच चला है हमारी पीसीआर टीम। दोनों दोनों बयान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मोबाइल का दुरुपयोग किसी प्रकार का यदि होता है तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए, क्योंकि स्कूलों में विद्यार्थी जो जाते हैं, बच्चे जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। यदि वो उन बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल का अगर उपयोग करने के लिए छूट मिली तो फिर पढ़ाई की बजाय वो और खेल खेलें अच्छा नहीं है। पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, खेलने के समय खेलें। घर में उनको मोबाइल यूज़ करने के लिए कोई मना नहीं करता है, इसलिए स्कूल की शिक्षा एक प्रकार का उनका ध्यान केंद्रित पढ़ाई में रहे, इसलिए बात करेंगे। मैं एक एक विषय की बात होती है, जिस विषय की बात मैं कर रहा हूँ उसमें सामाजिक प्रवेश में लड़का लड़की के संबंध कैसे होने चाहिए एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, एक निश्चित गोत्र के अंदर, वो जो बात है भाई बहन का रिश्ता जो माना गया है उसमें कोई बुराई नहीं है। उस बुराई को अगर मानो उस ढंग से हम देखते हैं तो सामाजिक प्रवेश में ठीक बातें भी हैं। बहुत प्रकार की संस्थाएं हैं अपने समाज में, संस्थाओं का अपना एक नियम होता है, संस्थाओं की अपनी परिपाटी होती है, संस्थाओं की अपने एक कन्वेंशंस होती हैं। उन संस्थाओं के कन्वेंशंस को एकदम नहीं बदल सकते। कैसा फैसला मानो कोई गलत काम हुआ तो पंचायती सिस्टम हमारे यहाँ आज भी है, पंचायती राज सिस्टम है तो क्यों है? पंचायती राज सिस्टम का मतलब ये होता है कि पंचायतें अगर अपना फैसला करती हैं तो सपोर्ट करते हैं हम। जी हाँ बिल्कुल, पंचायती राज सिस्टम है और अगर पंचायतें कोई फैसला करती हैं तो कोई गलत नहीं है। तो पंचायत ने ये फैसला किया, टीचर्स को समर्थन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट के दायरे में एक मिनट रुक जाइए, मुझे आपके पास आ रही हूँ, पूरा वक्त है आपके पास। उसके बाद समगोत्र विवाह पर किसी को कहती है गाँव से निकल जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगर प्रेम विवाह कर रहे हैं और वहां पर भी कुछ गलत हो रहा है तब भी निकल जाओ, जीन्स नहीं पहननी है तब भी ठीक है, और आपको मोबाइल फोन नहीं यूज करने हैं तब भी ठीक है। अम्मू जी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है लोकतंत्र में चुनी हुई पंचायतें जो निर्णय करती हैं उसका कोई भी सरकार उसका सम्मान करेगी, परंतु खाप को और पंचायत को आप मिक्स ना करें। चुनी हुई पंचायतें जो चुनकर आती है वो सरकार के दायरे में आती है, कानून के दायरे में आती है, ये कानून के दायरे में नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं है ना। खापों को कानून में कोई अस्तित्व नहीं, मगर अस्तित्व की बात नहीं हो रही। मेरे जवाब दीजिए जी प्लीज, खापों को पंचायतों के निर्णय थोपे जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अम्मू का ये बयान है चैनल पर कि खापों के निर्णय थोपे जाते हैं। देखिए अम्मू जी आप गलत कह रहे हो, खाप पंचायतें भी एक समाज का पार्ट है, उसके ऊपर आप सीधी उंगली नहीं उठा सकते। आप समाज से जुड़े और खाप पंचायतों से जुड़े पंचायत में संघ नहीं जोड़े क्या? देखिए आप अभी तक पंचायत में आप मुझे बताए ना, पंचायत को समाज की चुनी हुई पंचायतें हैं, खाप पंचायतों को अपने आप नहीं बन गई भैया, सरकार के दायरे में चुनकर समाज मुझे यहाँ भेजा गया है तो समाज ने मुझे चुना है, तो जब मैं आया हूँ पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ की खाप से? संधु खाप का अध्यक्ष हूँ मैं। अरे मेरी बात सुनिएगा, तो क्या आप निर्णय करते हैं, इनको समर्थन दे रहे हैं इसको मोबाइल मुख्यमंत्री ने कहा है? मुख्यमंत्री ने बिल्कुल समर्थन नहीं किया, मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेल के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई। उन्होंने हम घर में बैठे मोबाइल इस्तेमाल मत करो, स्मार्टफोन का उन्होंने ये कहा स्कूल जब आप पढ़ाई के समय इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सभी को वोट चाहिए, इसलिए कोई भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन खापों को नहीं देता है कि आपके फैसले गलत। देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं बिल्कुल भी, हम इस बात में स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने की बात करते हैं, सरकार अपना काम अपने हिसाब से करती है और खाप अपना काम अपने हिसाब से करती मुझे है। सिर्फ ये आ रही है, देखिए इंडिकेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पॉइंट पे ही आ रही हूँ। सरकार को स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं देना चाहिए, वो कांग्रेस की वो बीजेपी की, अगर गलत बात है तो देना चाहिए, गलत बात नहीं, आज गलत बात है, गलत बात है, आज कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं अगर देता नहीं है कोई, देखिए ऐसा है गलत बात है तो देना चाहिए, वक्त की कमी है।
सरकार वो कानून के दायरे में रहकर ही निर्णयों का सम्मान करती है। सरकार कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, वो वोट बैंक की राजनीति ना ना ना, ये आपका कहना है, ये सरकारों का कहना नहीं। संधू जी देखिए, मैं ये कहता हूँ सरकारें कभी भी खास पंचायतें भी सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती, ना सरकार के ऊपर कोई प्रेशर डाल सकती है। खास पंचायतों का अपने अस्तित्व, सरकार का अपना काम है, सरकार कानून में दायरे में रह के बात करेगी। खास पंचायतें सलाह दे सकती हैं युवाओं को भी और सरकार को भी। सलाह देती है, हम अपने बच्चे को सलाह दे सकते हैं, अपने बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को सलाह देते हैं। आप शायद, आपने अभी बोला आप खाप के प्रवक्ता हैं या जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा ये है क्वेश्चन ये है कि सबके बच्चे, चाहे गाँव की बात करें, आज पैसा गुड़गांव में बहुत है, हरियाणा में सबके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल जाते हैं, चाहे आप जीडी गोयनका की बात कर लीजिए, जो बड़े स्कूलों की बात, मतलब हर किसी की ख्वाहिश है। तो अगर खाप ने ये एक निर्देश दिया तो आपको नहीं लगता कि सिस्टम उल्टा हो गया? स्कूल में आप पूछिए, आप अपने बच्चे को मोबाइल ले जाने के लिए मना करेंगे, पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, कॉम्पिटिशन है ना, आप भी चाहेंगे आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, हम भी चाहेंगे। अब आप ये सोचिए कि स्कूल के कभी प्रिंसिपल को या अध्यापक को किसी ने, डायरेक्टर जब एडमिशन के लिए जाते हैं, कोई पेरेंट्स से पूछता है कि भाई मोबाइल अलाउ है कि नहीं है? पेरेंट्स अच्छे से अच्छा मोबाइल बच्चे को देते हैं तो स्टॉपेज आप कैसे करेंगे? लेकिन मैं बता रही हूँ सारे स्कूल के बच्चों के, हमारे गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रही मैं। बड़े बड़े पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने जाकर गांव के प्रिंसिपल को कहा और उस गांव की जो स्कूल की प्रिंसिपल है उसने खरखौदा में एकमात्र कन्या कॉलेज में लड़कियों के फोन रखने पर बैन भी लगा दिया उसने, बिना सोचे समझे। अम्मू जी, खरखौदा की प्रिंसिपल ने ये मान भी लिया, आपकी सरकार, आपके विधायक, आपके शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हैं। आपने जो बात संज्ञान में लाई है, निश्चित ये मेरे संज्ञान में क्यों आई? सरकार के संज्ञान में आनी चाहिए थी पहले, निश्चित तौर पर आई होगी। परंतु मेरा एक कहना है कि मैनेजमेंट के साथ मिलकर अगर कोई पंचायत निर्णय लेती है, क्योंकि चुनी हुई सरपंच अगर स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर जाती है, वो निर्णय प्रशासन ने खापो के इस फरमान को सही ठहराया। खापे अभी आप कह रहे थे, खापे लीगल नहीं, आप कह रहे हैं, आपने कहा कि वो लीगल का प्रबंधन, स्कूल का प्रबंधन या गांव की पंचायत आपस में बैठ के कुछ, आप मुझे ये बताए, मैं कह रहा हूँ खाप में पंचायत में अंतर है नवजोत, आप समझते क्यों नहीं हो? आप ये पंचायत में खाप की बात कर रही हूँ, गॉड से मैं कह रहा हूँ, खाप का मतलब ही नहीं, खाप का मतलब समाज के लोग, समाज के लोग अगर मिलकर, समाज के लोग मिलकर अगर स्कूल की या कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कोई सामूहिक निर्णय लेते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं। कोई यहाँ फिर से दोहरे मापदंड, लड़कियों के लिए फिर लड़कियों के लिए, सभी के लिए, बिना सभी के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, सभी के लिए। माफ कीजिए, वक्त की कमी है, यहाँ पर मुझे प्रोग्राम को रोकना होगा, क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन सभी के दोहरे मापदंड जरूर नजर आते हैं। खरखौदा में एकमात्र कन्या कॉलेज में लड़कियों के फोन रखने पर बैन लगाया गया और तो और कॉलेज प्रशासन ने खापों के इस फरमान को सही ठहराया। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं खापों के फैसले को हम तभी मानते हैं जब वो कानून के दायरे में हो, लेकिन ये क्या कानून के दायरे में है? तब बीजेपी के विधायक मंत्री और शिक्षा मंत्री कहाँ है? अब मुझे ये समझ में नहीं आता, कभी ये कहते हैं कि वो पंचायत ने किया, कभी कहते हैं सभी इकट्ठे होके सब कुछ कर ले, ये सब कब खत्म होगा? स्वच्छता की बातें बहुत हो गई, माफ कीजिए, आज एक सवाल सभी के लिए छोड़ी जा रहे हैं, सोच में स्वच्छता कब आएगी? उसके बाद ही हम स्वच्छता की बातें कर सकते हैं, वरना सब बेमाने हैं। लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार। लास्ट में केवल